Hello friends, welcome to Biotech Sapiens. So in today's video I will discuss about कि जो आपका अभी recently 6 जून को जो एग्जाम हुआ है उसका जो लेवल, जो भी स्टूडेंट्स ने जो भी हमारे साथ शेयर किया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्वियसली पेपर 1 जनरली जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में था, ठीक है। सो एज पर स्टूडेंट्स रिव्यूज वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी था, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, ये जो टर्म्स है ना, इजी, मॉडरेट, टफ, ये रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। अब बेसिकली मैं तो बार बार ये चीज कहता हूँ कि बेसिकली जब आप एग्जाम की तैयारी करके जा रहे हो तो तभी आप इन बेसिकली आप इन चीजों को जज कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि मान लो जिन यूनिट्स की मैंने तैयारी की, ठीक है, उस पर क्वेश्चन आए और मेरे हो गए, तो बेसिकली वो मेरे लिए ईजी है, ठीक है। हाँ, और कुछ यूनिट्स जैसे मान लो मैं प्रिपेयर मान लो मैंने नहीं की, तो या किसी दूसरे स्टूडेंट का उन यूनिट्स पे ज्यादा फोकस था, तो अगर उस पे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आया तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिकली वो टिपिकल हो गया, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं दीज आर रिलेटिव, बट जो इवनिंग शिफ्ट का मुझे ज्यादातर स्टूडेंट से जो सुनने को मिला कि थोड़ा सा पेपर ट्रिकी था, ठीक है। थोड़ा सा मतलब इसमें चीजें जो थी वो थोड़ी सी कंपेरेटिवली टफ थी, ठीक है। क्योंकि पहले भी ऐसे ही रहा है कि जनरली 2 शिफ्ट में जब से पेपर हो रहा है तब से एक शिफ्ट थोड़ी सी इजी आती है, एक शिफ्ट थोड़ी सी टफ या ट्रिकी होती है। अब देखो क्या होता है ना, बेसिकली ऑब्वियसली इजी है पेपर तो जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स भी कंपैरेटिवली उसमें ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। तो और अगर ट्रिकी है तो उसमें मार्क्स भी उसके क्या आएंगे, बेसिकली आपके थोड़े से कम आएंगे, ठीक है। तो ये नहीं होता कि इजी वाले उसका इजी आया था तो उसके नंबर ज्यादा आ गए, ठीक है। मेरे पेपर अगर बेसिकली ट्रिकी था, थोड़ा टफ था, तो मेरे मार्क्स कम आए, तो ये जनरली इसलिए यहाँ पर परसेंटाइल निकाला जाता है, ठीक है। अभी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि जो परसेंटाइल का क्या कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों टर्म्स में बड़ी कंफ्यूजन है, परसेंटाइल और परसेंटेज, ठीक है। क्योंकि बच्चे बड़ा इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्योंकि आजकल जो स्कोर आ रहा है वो परसेंटाइल में आ रहा है, तो परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा, बट अभी थोड़ा सा मैं इसका डिस्कशन कर लेता हूँ आपके साथ। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे एक पेपर इजी आ रहा है तो बच्चे के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि मान लो मैंने कहा कि जैसे ऑब्वियसली एज वी मस्ट बी नोइंग कि 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। मान लो एक स्टूडेंट आया कि वो मॉर्निंग शिफ्ट में था, ठीक है, मान लो उसके मार्क्स आ गए 120, दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, ठीक है। और इवनिंग शिफ्ट वाले के मान लो आ गए 115, ठीक है। अब 120 वाला कह रहा है कि आई एम नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। अगर मैं JRF की बात करूँ, वो तो देखो आजकल मार्क्स नहीं बता रहे हैं, परसेंटाइल आ रहा है, वो कह रहा है मैं क्वालिफाई नहीं हूँ, नॉट क्वालिफाइड फॉर JRF। 115 वाला क्या कह रहा है, मैं क्वालिफाइड हो गया। तो ये बेसिकली जो होता है वो जैसा भी पेपर आता है उसमें बच्चों की कैसी परफॉर्मेंस है उस बेस पे आपकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो डिसाइड होती है, ठीक है। क्योंकि परसेंटाइल का मैं सीधा सा फंडा आपको बताऊं, परसेंटाइल ये इंडिकेट करता है आपसे आगे कितने बच्चे हैं और आपसे पीछे कितने हैं, ठीक है ना। मतलब आप जनरली आपका जैसे मान लो जो भी परसेंटाइल है वो आपका स्टैंड बता रहा है कि वो परसेंटाइल ये शो करता है कि आपसे आगे और आपसे पीछे, ठीक है। अब मान लो कोई कहते हैं मेरा 90 परसेंटाइल है, ठीक है। और अब 90 परसेंटाइल सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कईयों को लगता है ये परसेंटेज है, ठीक है, दिस इज परसेंटाइल, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको एक शो करता हूँ कि जो बेसिकली लास्ट जो रिजल्ट था आपका, जो एग्जाम आपका सितंबर 22 में हुआ था, तो वहां पे आपको देख के आइडिया होगा, ठीक है। क्योंकि वो तो चलो नेट बाद में डिक्लेयर भी करता है कि कितने स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, कितने उन्होंने रजिस्टर किया था, बट जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी क्या परसेंटाइज था, ठीक है। परसेंटाइल बेसिकली देखते हैं क्या होता है, ये मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखिए। सो जैसे आप लाइफ साइंस का देखो, ठीक है, बाकी जितने भी एग्जाम्स आपको दिख रहे होंगे वहां पर परसेंटेज लिखी हुई है, जैसे केमिकल साइंस ये जनरली वही 200 मार्क्स का पेपर है, जो भी मार्क्स का है तो उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। मतलब जैसे 200 मार्क्स का पेपर है तो 50.75, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो कट ऑफ है यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 50.75, ठीक है, into 2, ठीक है। तो मतलब ये अगर मैं मार्क्स देखूँ तो ये आपके आ जाएंगे 101.50, ठीक है। तो
तो ये तो सिंपली परसेंटेज ही होती है, ऑब्वियसली 101.5 आए हैं आपके 200 में से, तभी आपकी ये परसेंटेज है, ठीक है। तो ये केमिकल साइंस का आप देख रहे हो, नेट के लिए क्या है, मतलब जो JRF है, JRF नेट के लिए कितना और लेक्चरारशिप नेट के लिए कितना है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं अनरिजर्व का दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ऐसे ही बाकी ईच एंड एवरी कैटेगरी का यहाँ पे शो कर रखा है। अब आप देखो लाइफ साइंस, ठीक है, अब लाइफ साइंस का पेपर हो रहा है 2 शिफ्ट में, तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है स्कोर का और आपका परसेंटाइल आता है, ठीक है। अब देखो मतलब यू नीड दिस मच परसेंटाइल, 98.8142 2819। देखो देखो पर आगे भी कितने डेसिमल तक वो लेके गया है, 7 डेसिमल तक, ठीक है। ऐसे ही इधर आप देखोगे तो 97.5053291। तो ये ना बेसिकली हमारी रिलेटिव पोजीशन बताता है। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल अभी यहाँ पे दे देता हूँ, बाकी डिटेल में मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। जैसे मान लो मैं आपको कह रहा हूँ कि 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ऑब्वियसली सबके जो मार्क्स हैं वो अलग अलग आए हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे मान लो जो टॉपर होगा, ठीक है, उसका परसेंटाइल होगा 100, ठीक है। मतलब यहाँ पर हर एक जो स्टूडेंट है, ठीक है, जैसे 1 to 100 स्टूडेंट्स हैं, तो सबके मार्क्स अलग अलग है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो 100 परसेंटाइल उसका है जिसके सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर 99 परसेंटाइल किसका है, जिसका सेकेंड पोजिशन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने 100 का एग्जाम्पल लिया है, ऑब्वियसली जो एग्जाम है उसमें तो मे बी लाइक 50, 60, 70,000 जो भी स्टूडेंट अपियर होते हैं, फिर उस हिसाब से हमें रिलेटिव देखना होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी के मार्क्स मान लो मतलब कोई 90th पोजीशन पे है, ठीक है, मतलब या उसके आप ये कह सकते हो कि बेसिकली उसकी जो पोजीशन है, ठीक है, 90th पोजीशन, चलो इसे नहीं कहते हम, ठीक है। मान लो वो उसका परसेंटाइल मान लो मैंने कह दिया 90 है, ठीक है। 90 परसेंटाइल का मतलब क्या है कि वो मतलब 11th पोजीशन पे है, ठीक है ना। जैसे मान लो 100 परसेंटाइल पे एक ही बच्चा है, वैसे तो बीच में भी आएंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं 100 स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो जो टॉपर है वो 100 परसेंटाइल, जो सेकंड पोजीशन है वो 99, थर्ड पोजीशन 98, ठीक है, फोर्थ पोजीशन आपका 97, ठीक है। मतलब जिसका 90 परसेंटाइल है उसकी 11th पोजीशन है, ठीक है, मतलब 89 बच्चों से वो आगे है, ठीक है, और बेसिकली बेसिकली और जो बाकी 10 बच्चे हैं उनसे वो पीछे हैं, ठीक है। तो परसेंटाइल इंडिकेट्स योर रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। अब कोई कहता है मेरा 65 परसेंटाइल आ गया, 70 आ गया, तो परसेंटाइल ये इंडिकेट करता है कि आपका देखो ना, आपको इतना परसेंटाइल चाहिए, ठीक है। ये कैलकुलेट किया जाता है कितने स्टूडेंट्स हैं आपके और आप उन स्टूडेंट्स के हिसाब से कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर देखो यहाँ पर 98.7 भी होता तब भी आपका JRF नहीं है, ठीक है, 98.6 होता, तो दिस इज द परसेंटाइल, ठीक है। तो जो आपको बेसिकली चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, मतलब वही है जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कट ऑफ जो होती है वो इट डिपेंड्स कि एग्जाम कैसे, उस हिसाब से थोड़ी सी वेरिएबल हो सकती है, ठीक है। सो एज पर जो भी स्टूडेंट्स का रिव्यू है उस हिसाब से जो मॉर्निंग शिफ्ट था वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजियर था, पहले भी ऐसे ही हुआ, लास्ट टाइम भी थोड़ा सा वो पेपर ईजी था और दूसरा थोड़ा सा टिपिकल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, बट ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो होती है, परसेंटाइल इंडिकेट्स दैट वेयर यू स्टैंड, ठीक है, या आपसे पीछे कितने बच्चे हैं, आपसे आगे कितने हैं, ठीक है ना। वो तो उन्होंने जितने स्टूडेंट्स को फेलोशिप देनी है, जहां तक वो कट ऑफ जाएगी, जहां तक वो परसेंटेज जाएगा वो कट ऑफ है। अब उससे जो भी बच्चे नीचे होंगे, ठीक है, फिर ऑब्वियसली उनको फिर JRF दी जाएगी, सॉरी उनको फिर LS दिया जाएगा, जैसे 97.50 मैंने लिखा, और फिर इससे भी जो कम है, तो इन लाइक डिफरेंट कैटेगरीज यू कैन सी कि डिफरेंट डिफरेंट आपका परसेंटाइल है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन, ठीक है। अब देखो एक होती है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो देखो अभी एक तो स्टूडेंट्स कितने हुए, क्योंकि अभी नेट ने ये नहीं बताया कि कितने स्टूडेंट्स टोटल रजिस्टर हुए थे, कितने अपीयर हुए थे, क्योंकि इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि जो परसेंटाइल आपका कितना आएगा, वो बड़े सारे फैक्टर होते हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, कितनों ने JRF के लिए अप्लाई करा, कितनों ने नेट के लिए किया, ठीक है। तो क्योंकि लाइफ साइंस का पेपर 2 शिफ्ट में हो रहा है, इसलिए हमारा बेसिकली परसेंटाइल सिस्टम आता है, और जब जब नहीं होता था 2 शिफ्ट में तो हमारा भी परसेंटेज ही आता था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, एंड फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज बायोटेक सेपियंस, थैंक यू सो मच।